फरवरी 2023 में होने वाली उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर के कॉरपोरेट जगत के दिग्गज कंपनियां हिस्सा लेने के लिए राजधानी लखनऊ आएंगी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हुंडई समेत 52 कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए सहमत हो गई हैं। टीम योगी ने पहले चरण के रोड शो व 1-to-1 बिजनेस मीटिंग के जरिए तमाम विदेशी निवेशकों को समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें फार्मास्यूटिकल, बिजनेस चैम्बर, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, कैपिटल मार्केट, व्हीकल मोटर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, R&D, टेलीकॉम एंड फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स से जुड़े उद्योग समूह शामिल हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वो आयोजन में प्रदेश में बड़े निवेश की घोषणा करेंगी। अभी कई और चरणों में कई अन्य देशों में भी रोड शो व बिजनेस मीटिंग की जानी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मत्स्य विकास विभाग के मंत्री संजय निषाद ने ब्राजील की व्यावसायिक राजधानी साओ पाउलो में उद्यमियों से मुलाकात की और समिट में आने का निमंत्रण दिया। रक्षा क्षेत्र में निवेश को लेकर ब्राजील और यूपी के बीच MOU इंटेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। सोमवार को ब्रसेल्स के होटल डबल ट्री बाई हिल्टन में मंत्री नंद गोपाल नंदी, जितिन प्रसाद व अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल व सचिव प्रांजल यादव ने EV, कूड़ा प्रबंधन, कपड़ा व परिधान, खाद्य प्रसंस्करण आदि सेक्टर में निवेश के लिए बेल्जियम के उद्यमियों को निवेश का न्योता दिया। जिन विदेशी निवेशकों ने यूपी में निवेश और UPGIS में आने को लेकर अपनी सहमति प्रदान की है, उनमें फार्मास्यूटिकल से जुड़े धवल पटेल, इन्वेस्ट एशिया से अर्ने एट्रेबिलियन, कॉर्पोरेट फाइनेंस से जेरेओन मार्डेंस, चैम्बर ऑफ लग्जमबर्ग से आदित्य शर्मा, बिजनेस यूरोप से एलेना सुआरेज, क्रेडेनाडो के स्पेशलिस्ट विम बोसमैन, ESF इंडियन एसोसिएशन के MD पास्कल केरनीस, लग्जमबर्ग से सेल्वराज अल्गुमलाई, चेयरमैन BICCNI से बैरन फिलिप ब्लेरिक और यूरो चैम्बर से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं IMEC, BIO, EIBC के CEO, मल्हार फंड, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड, SMEI कनेक्ट, इंडस्ट्री एंड स्पेस मित्रा आदि कंपनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।